खैर अपने हाथ की बनाई हुई चीज की बुराई नहीं करता कोई भी। उस टाइम पे गौमूत्र से ही कपड़े धोते थे। और लगभग मैं 12-15 दिन के लिए कहीं जाने वाला हूँ। अगला मेन काम है जो आज तक शायद ही मैंने करा है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 7:30 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत हल्की फुल्की बूंदाबांदी से हो रही है। थोड़ा मौसम ठंडा होता जा रहा है और आज हम जल्दी निकल पड़े हैं पुराने वाले घर पे। पापा जी की स्कूल खुल चुकी हैं तो घर का आज सारा काम मुझे करना है, चाहे गाय को पानी पिलाना हो, गोबर की सफाई हो या खाना बनाना हो। तो देखते हैं इतने सारे चैलेंज हैं क्योंकि ये मेरा नॉर्मल काम तो है नहीं, तो देखते हैं क्या क्या हो पाता है। तो चलिए आज के दिन को शुरू करते हैं। तो भाई के मैंने ये मोबाइल फ़ोन होल्डर लगाया था, किसी ने निकालने की कोशिश तो करी है। ये तार देखिए बाहर निकाली हुई है ऐसे। तो यहाँ गांव में ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं और अच्छी बात यह है कि ये सीधे नट बोल्ट में कसा हुआ है तो कोई आसानी से तो निकाल नहीं सकता इसको, लेकिन कोशिश ज़रूर करी हुई है। आज की हल्की फुल्की बूंदाबांदी से ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है तो अब धीरे धीरे गर्म कपड़े बाहर निकालने ही पड़ेंगे। तो यहाँ तक पापा जी कल एक घास की पूली ले आए थे, उसको स्कूटी में ले जाएंगे, इसीलिए स्कूटी ले आए हैं। तो ये कल खेतों से निकाल के ले आए थे। इस काम के लिए स्कूटी सही है। इसको तो निकाल ही देते हैं यार, इसको कोई तोड़ देगा मेरे को लग रहा है। ये तो वैसे भी ओरिजिनल है गोप्रो का। तो पापा जी ने मेरे को सारा काम समझा दिया है कि क्या करना है कैसे करना है। पापा जी को अभी जाना है गिरिया नए वाले घर पे, वहाँ से अपने काम पे चले जाएंगे। बाकी आज पूरी मेरी जिम्मेदारी है इस घर का काम संभालने की। तो अभी जो ये घास हम ले आए हैं यहाँ पे, इसको दिन में ले जाएंगे क्योंकि अभी पानी ले जाना है गौशाला की ओर। देखिए सच कहूँ तो अब एहसास हुआ मुझे कि माँ कितना ज्यादा काम करती है। माँ को घर का काम भी करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, सारे काम निपटाने पड़ते हैं, फिर अपने लिए भी खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है। अब पहला काम तो निपटा दिया है, गाय को बाहर निकाल के उसको चारा पत्ती दे दी है। अगला मेन काम है जो आज तक शायद ही मैंने करा है, दीदी के साथ बहुत पहले हेल्प करी थी सिर्फ बर्तन अंदर बाहर ले जाने में, मुझे गोबर की सफाई करनी है। सफाई करने के बाद पूरे बदन पर ना गोबर की स्मेल से आती है। और मैंने एक चीज़ सुनी थी पुराने ज़माने के लोगों से कि पहले साबुन तो हुआ नहीं करते थे, उस टाइम पे गौमूत्र से ही कपड़े धोते थे। अब पता नहीं क्या टेक्निक थी, स्मेल आती थी लेकिन कपड़े साफ हो जाते थे बोला, होता होगा। खैर अब तो कोई ऐसी चीज़ों को यूज़ नहीं करेगा कपड़े धोने के लिए खासकर वो भी। और यहाँ ठीक सामने पर जो चाची लोगों का छोटा सा बच्चा है ना, वो पूछ गया है, मतलब कि वो अपने किले से आगे चले गया है। तो चलिए जी यहाँ के काम निपटाने के बाद अब निकल पड़ते हैं घर की ओर। घर में भी बहुत सारे काम करने हैं आज, देखते हैं खाना भी बनाना है मुझे। जैसे घर में पहुंचा थोड़ा बहुत सफाई करी और बूंदाबांदी शुरू हो गई है। देखिए 10:15 हो चुके हैं और अब जरा फापन जाके वहाँ से दूध ले आते हैं क्योंकि गाय तो हमारे पास आजकल दूध नहीं दे रही है। बांझ के पेड़ों पे बड़े बड़े लंगूर बैठे हुए हैं यहाँ। अब आजकल हमारी जिम्मेदारी है घर का सारा काम करने की, जिस वजह से मैं ट्रिप पे अभी नहीं जा पा रहा हूँ। और लगभग मैं 12-15 दिन के लिए कहीं जाने वाला हूँ। बस छोटा सा हिंट है आपके लिए, है तो उत्तराखंड में ही, बस आप लोग गैस कीजिए। और उस ट्रिप में ना आपको बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे, ट्रैकिंग देखने को मिलेगी और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम कर पाते हैं। अब जैसे यहाँ घर पे पहुँचा, यहाँ देखिए जो भटके लगले हैं ना, वो जो लंगूर हैं उन्होंने इधर उधर फैला रखे हैं। तो यहाँ पे अब देखना ही पड़ेगा, ऊपर पेड़ों पे बड़े बड़े लंगूर बैठे हैं। दिन के 12 भी बज चुके हैं, अब समय है गाय को पानी पिलाने का। और अभी इस टाइम पे यहाँ से घास की एक पूली भी ले जानी है मुझे, दो हैं वैसे पर अभी एक ही ले जाऊँगा। गाय को चारा भी दे दिया है, अब मुझे घर को निकलना होगा, लंच की तैयारी भी करनी है अभी। अब यहाँ ठीक सामने पे देखिए बांझ के पेड़ों में बहुत सारे लंगूर बैठे हुए हैं, नुकसान करने के लिए बस तैयार हैं ये। घर की ओर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मुझे मिला अखरोट, ये देखिए कुछ इस टाइप के अखरोट होते हैं हमारी गौशाला के पास में। अरे ठीक ऊपर है बड़ा सा अखरोट का पेड़। अब धीरे धीरे अखरोट अच्छी तरह से पकने लगेंगे और दीपावली के टाइम तक तो अखरोट की पूरी भरमार हो जाती है यहाँ।
कुकर पर मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। चावल तो मैं आसानी से बना लूँगा, लेकिन दिक्कत है साग बनाने में, दाल बनाने में। तो मैंने काफ़ी पहले से बनाया नहीं है। जब मैं श्रीनगर में जॉब करता था, स्टार्टिंग के दिनों में मैंने खुद खाना बनाया था। उस टाइम पे मैंने सीखा भी वहीं, बनाया भी वहीं, और 6 महीने तक लगातार खाना बनाने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस हो गई थी। पर ना स्टार्टिंग के दिनों में कभी मैंने ज़्यादा ही नमक वाला खाया, कभी ज़्यादा मिर्ची, कभी सब्जी पूरी जल जाती थी, कभी रोटी जल जाती थी, कभी चावल गीला हो जाता था, ऐसे होता था। अभी मैंने लंच भी तैयार कर दिया है, देखते हैं कैसा बना है। पापा जी घर आएंगे तब साथ में खाना खाएंगे। पापा जी भी घर पे पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद पापा जी को पूछिए कि खाना कैसा बना था, एक बार हम लंच कर देते हैं। आप तब तक सामने के पहाड़ों के टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए। लंच करने के बाद सारे बर्तन धो दिए हैं और यहाँ पे सुखाने के लिए भी रख दिए हैं। अब पापा जी से पूछते हैं कि आज मैंने खाना बनाए पर बनाए कैसे, कैसा लगा? बढ़िया है। चौंसा चौंसा भी बढ़िया बनाया। मैंने सोचा नहीं था इतना स्वाद आएगा, खुद मेरे को भी बहुत बढ़िया लगा। खैर अपने भी नहीं लग रहा था इतना बढ़िया बनाएगा। खैर अपने हाथ की बनाई हुई चीज की बुराई नहीं करता कोई भी, अपने हाथ का जैसा भी बने। तब कहता था ना कि बाबा माँ या नमक कितना डालना है, हमको यहाँ से क्या पता चलेगा कि घर में कितना नमक डालना है। अब आजकल शादियों का सीजन आने लगा है तो घर पे बहुत सारे इन्विटेशन कार्ड आए हैं और यहाँ से लोगों का कार्ड है। मेरे पास मिला था फापंज में ब्योह कार्ड, सरुणा भाई नीचे सरुणा गांव से आया भाई शादी का कार्ड। और आज लंच करने के बाद जरा नींद सी आ गई थी, अब जरा निकल पड़ते हैं सीधे गौशाला की ओर। पापा जी तो निकल गए हैं और सामने का मौसम देखे ऐसे लग रहा है जैसे बरसात का मौसम हो, बादल ऐसे आए हुए हैं पहाड़ों पे। और अभी हम गौशाला ना वो बची हुई घास की पूरी भी ले जा रहे हैं और एक डब्बे पे और पानी ले जाएंगे। और यहाँ खूब सारे पत्ते गिरे हुए हैं नीचे, मतलब कि पतझड़ शुरू हो गई है कुछ पेड़ों पे। अभी के टाइम पे मैं गौशाला के काम से थोड़ा सा फ्री हो चुका हूँ क्योंकि पापा जी आ चुके हैं। हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी यहाँ का काम निपटाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा घास का इंस्पेक्शन भी कर देते हैं कि घास कितनी बची हुई है। यहाँ पे बहुत सारी घास अभी बाकी है, लगभग कल और परसों आधे दिन के लिए पूरी हो जाएगी। तो चलते हैं अब घर की ओर और यहाँ का काम निपटाने के बाद अब ज़्यादा कुछ काम नहीं है जो कि थोड़ा टफ हो। हमने यहाँ छत में भट्ट रखे थे सुखाने के लिए और आज लंगूरों ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। जो फलियाँ हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करके खाई हुई हैं, तो देखते हैं जल्दी से सूख जाएंगे तो इनकी कुटाई भी कर देंगे। और आज भी हम ना यहाँ से सिर्फ अपनी बाइक ले जाएंगे, स्कूटी को यहीं पे खड़ा रखेंगे।